अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट विद रुकैया। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैंने बना लिया था ये टी टाइम केक, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट था, बहुत मॉइस्ट था। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आसानी तक आप तक पहुँच सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने ले लिया 1 कप ऑफ वार्म मिल्क और 1 टीस्पून ऑफ वाइट विनेगर, जिसको हम मिक्स करके बटर मिल्क रेडी होने के लिए रख देंगे। साथ ही मैं अब ले लूँगी एक बॉल। बॉल में मैंने ले लिया 1 कप ऑफ मैदा और साथ ही ले लिया 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और 1/2 कप ऑफ शुगर, जिसे मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। तो बस उसका पाउडर बना लीजिए और बस उसे मैं छान लूँगी। छानने के बाद मैं इसे जो है बाकी इंग्रेडिएंट्स में इसमें ऐड कर दूँगी, जैसे कि अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस और 1/4 कप ऑफ ऑयल, ऑयल नहीं तो बटर ऐड कर ले। तो बस ये ऐड करूँगी और साथ में जो ये बटर मिल्क मैंने रखा हुआ ये ऐड करूँगी और इसे मिक्स करूँगी। इसे मिक्स करने के बाद मेरे पास जो है ये बैटर जो है थिक हो जाएगा। तो बस मैं इसमें अब 1/4 कप ऑफ वार्म वाटर ऐड करूँगी और बस उसे ऐड करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जो है मेरे पास चॉकलेट पड़ी थी और वो ऐड करूँगी, गार्निश करूँगी चॉकलेट से। तो बस किसी भी पैन में आप इसे बेक कर लीजिए। मेरे पास ये डिश पड़ी थी जिसे मैंने बटर पेपर लगाकर ऑयलिंग करके और ऊपर चॉकलेट जो है मैंने इसे गार्निश की। चॉकलेट है तो गार्निश कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, नहीं है तो इसे प्लेन बनाइए। तो बस ये रख दिया और मैंने इसे 180 डिग्री पर तकरीबन 30 मिनट्स के लिए बेक किया है। और ये जब मैंने केक बेक हो गया तो ये बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट था और बहुत अच्छा लगा चाय के साथ। आप भी बनाइए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए।